दोस्तों एज अ फ्री लांसर आपकी कामयाबी ऑन अ फ्री लांस मार्केट प्लेसेस तीन फैक्टर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है मैंने यहां पे वर्ड इनडायरेक्टली नहीं यूज किया मैंने यूज किया डायरेक्टली यानी कि अगर ये तीन चीजें सही हैं तीन चीजें बेहतरीन हैं तो इनशाला आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता वो तीन बातें क्या हैं वो तीन बातें ये हैं कि जैसे आप मेरी स्क्रीन पे पीछे देख रहे हो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल का तगड़ा होना स्ट्रांग मीनिंगफुल प्रोफाइल देखिए अगर आपकी प्रोफाइल में आप जिक्र कर रहे हो कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो और उस पर आप अच्छे तरीके से अपना कंटेंट अपना डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हो एम्प्लॉयर इंप्रेस होता है दूसरी बात आपका पोर्टफोलियो याद है शेल्फ वाली मिसाल कि आप किसी स्टोर में जाते हो अगर उस स्टोर पे शेल्फ पे वो प्रोडक्ट पड़ी है तभी तो ख़रीदोगे ना अगर उस स्टोर में उस शेल्फ पे प्रोडक्ट नहीं पड़ी तो आप उस पर्टिकुलर दुकान से निकल के नेक्स्ट डोर दुकान पे चले जाएंगे और अगर उसके शेल्फ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई तो आप खरीद लोगे सेम गोज़ फॉर द एम्प्लॉयर अगर वो जो काम करवाने के लिए फ्री लांस मार्केट प्लेस पर आया है आपकी प्रोफाइल पर वो पोर्टफोलियो नहीं है तो आपके चांसेस बहुत स्लिम होते हैं सो यू आर गुड पोर्टफोलियो मैटर्स अ लॉट एंड फॉर बिगनर्स रिमेंबर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अ गोल आप फ्री में शुरू में पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए अपने बेहतर मुस्तबल के लिए अपने बेहतर कल के लिए एज अ फ्रीलांसर तीसरी बात योर प्रोजेक्ट फीडबैक जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा देखिए फीडबैक वो रैंक्स हैं ऑन यूर जर्सी जो लोगों को बताती हैं कि आप हैं कौन मिसाल के तौर पे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो चले मैं ये मिसाल भी नहीं देता आप किसी इवेंट या सेमिनार में जाते हो तो आपके वो एक स्पेसिफिक कार्ड देते हैं और उसके साथ एक रिबन होता है वो आप अपने गले में डाल देते हैं जैसे आप तस्वीर में देख रहे हो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है कि जनाब आपका नाम क्या है आप कौन हैं और आपने शायद उस इवेंट या सेमिनार के लिए पैसे भी दिए हैं या आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन इस कार्ड में मौजूद है सेम गोज फॉर फ्रीलैंस फीडबैक आपकी वही वेरिफिकेशन और आने वाले employer और क्लाइंट के लिए क्योंकि वो जब आपकी प्रोफाइल देखेगा तो जब आपकी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन देखेगा तो उसके बाद लाजमी तौर पे वो आपकी फीडबैक भी देखेगा बिकॉज आपकी फीडबैक ही तो बताती है कि पिछले क्लाइंट्स के साथ आपने कैसा मामला कैसा रवैया रखा आपका काम कितना अच्छा था उस काम की बेसिस पे आपको क्या फीडबैक मिली आपको क्या तारीफ मिली मैं आज आपको अपनी फीडबैक कुछ सेलेक्टिव दिखाऊंगा कि मुझे ऑन गुरु डॉट कॉम किस तरह की फीडबैक मिलती है और उस फीडबैक का मकसद क्या है उस फीडबैक को दिखाने से अपनी प्रोफाइल पे मुझे क्या एडवांटेज मिल सकता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो मेरी गुरु डॉट कॉम की फीडबैक है दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह कि हर नया आने वाला क्लाइंट जब मेरी प्रोफाइल देखेगा और ये फीडबैक को गो थ्रू करेगा उसको इतना कंफर्ट मिल जाएगा कि कम अज कम वो ये दो बार सोचेगा कि शाम को रिजेक्ट क्यों करूं मैं आपके सामने अपनी तीन फीडबैक तारीख के हिसाब से दे रहा हूं मैं इसी साल की बात कर रहा हूं पहली फीडबैक इंस्पिरेशन के लिए आपके लिए दे रहा हूँ अथेंटिक क्लाइंट चार्लेस नाम था इनका इट इज फेयर टू से दैट आई हैव यूज डजन ऑफ फ्री लांस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन्फोमिस्ट हैज बीन मेरी कंपनी का नाम है विदाउट एनी डाउट द बेस्ट कंपनी वी हैव डन बिजनेस विद कम्युनिकेशन इज नेक्स्ट टू नन यानी कि इनकी कम्युनिकेशन बहुत आला है दे ऑलवेज कम्युनिकेट द वर्क इज ऑसम बेहतरीन तारीफ और ये नहीं उसके बाद you cannot go wrong with this company we did not experience any issue with this company nothing but a positive experience for us अब मुझे बताइए आप मुझे हायर करना चाहते हैं एम्प्लॉयर हैं आप मेरी प्रोफाइल पे गए हैं इस तरह की फीडबैक आपको नजर आ गई फाइव स्टार अरे आपको और क्या चाहिए एक और रैंडम फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगा if you need a job done right don't look any further this company is awesome you will not go wrong हायरिंग इन्फोमिस्ट डू यू सेल्फ ए फेवर इफ इन्फोमस्ट हेज लेफ्ट यू अर बेड हायर दिस कंपनी मैं अपने अल्फाज जो हैं वो खो बैठा हूँ ये बात देख के और बताते हुए आपको कि इस तरह की फीडबैक आपका दिल गुरदा कितना बड़ा करती है और आपकी मेहनत का रिवॉर्ड भी यही फीडबैक है दोस्तों पैसा तो है ही है अगर आप किसी को सेटिस्फाई कर दें अगर आप किसी को मुतमिन कर दें अपने काम से तो वो आपके पास बार बार आएगा अपना अगला काम लेके अगर चार्लस की ये जो दो फीडबैक हैं या नीचे निकोल की फीडबैक जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ वेर शी सेज डिड अ ग्रेट जॉब फॉर रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड प्रेस साइट टू न्यू थीम यू नो और उसके बाद वो कह रही हैं कि आज के बाद मुझे कभी परेशानी नहीं हुई क्या बात है जी कितनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं नया इम्प्लॉयर देखेगा फीडबैक की इम्पोर्टेंस को समझेगा और वो आपसे सवाल करेगा सो फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट जब भी आप कोई काम सक्सेसफुली ख़त्म करें तो दोस्तों अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि उनका जो ऑनेस्ट ईमानदारी के बेस पे एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ उसकी वजह से आपको ना सिर्फ फाइव स्टार फीडबैक दे बल्कि लिखे कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया अच्छा काम करोगे तो अच्छी तारीफ मिलेगी अच्छी तारीफ होगी तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा